Fallout Amazon Prime पर हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हो चुकी है, जिसके सीजन 1 में 8 एपिसोड है और हर एपिसोड की लेंथ 1 घंटा है। इस शो का जॉनर साईफाई एक्शन के साथ डार्क कॉमेडी रखा गया है। तो आइए बात करते हैं इस शो के कुछ अच्छे और बुरे एस्पेक्ट्स के बारे में, कि आपको ये शो देखना चाहिए या नहीं, मेरे इस क्विक रिव्यू में। तो स्टोरी फोकस करती है फ्यूचर में, जहां न्यूक्लियर वॉर के बाद दुनिया तबाह हो चुकी है और जो लोग बचे हैं उनमें से जो लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं, वो अंडरग्राउंड बंकर्स में रहते हैं और जो गरीब हैं वो ऊपर रहकर अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। इन्हीं अंडरग्राउंड बंकर्स में एक लूसी नाम की लड़की रहती है, जिसके पिता को बाहर रहने वाले आउटसाइडर्स उठाकर ले गए हैं, जिन्हें बचाने के लिए लूसी पहली बार बंकर से बाहर निकलती है। इस जर्नी में लूसी का साथ कौन कौन देता है और उसे किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और क्या वो अपने पिता को ढूंढने में कामयाब हो पाएगी, जानने के लिए देखिए ये शो। देखिए, ये शो की कहानी कुछ नया माल प्रेजेंट नहीं करती है, बट जिस तरह से शो के मेकर्स ने इसे प्रेजेंट किया है वो काबिले तारीफ है। आपको इस शो के विजुअल्स पसंद आएंगे, VFX और CGI वर्क भी अच्छा है। ये शो देखते टाइम आप बोर नहीं होंगे। एक्शन सीन्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट जितने भी हैं ओवर द टॉप हैं, यानी कि एक्शन सीन्स को अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है, जो कि आपको पसंद आएंगे। आप इस शो को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ब्रूटैलिटी और थोड़ी बहुत न्यूडिटी भी देखने को मिलेगी। शो की प्रोडक्शन क्वालिटी आपको पसंद आएगी। जो पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया दिखाई गई है उसे देखकर आपको ज़ॉम्बीलैंड और रेसिडेंट इविल जैसी मूवीज की याद आ जाएगी। सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको पसंद आएगा, जो कि बहुत अच्छा है। और इस शो की सबसे बड़ी बात, जो इस शो का प्लस पॉइंट है, वो है इस शो की हिंदी डबिंग, जिससे आप रिलेट कर पाएंगे। ओवरऑल ये शो एंटरटेनिंग है। कुछ सीन्स को बेवजह खींचा गया है, बट जब आपको एंटरटेनमेंट मिलता है तो कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। ये शो आपको लास्ट तक इंगेज करके रखेगा। लूसी और द घोल का कैरेक्टर आपको पसंद आएगा, जिन्हें काफ़ी अच्छे से डेवलप किया गया है। अगर आप एक्शन कॉमेडी के साथ पोस्ट एपोकैलिप्टिक दुनिया का एंटरटेनमेंट चाहते हैं तो ये शो आपके लिए है। इस शो की कहानी अभी सीजन 1 में खत्म नहीं हुई है, इसका सीजन 2 भी आएगा। तो आपने अगर ये शो देख लिया या देखने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।